फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूँ सत्यविजय तिवारी। तो जो हमारा चैनल था ईसीई गेट 2017, उसका नाम चेंज करके अब हम लोगों ने इंजीनियर ट्री कर दिया है। और अब इस चैनल के अंदर आपको आने वाले समय में गेट, पीएसयू या अदर टेक्निकल एग्जाम्स के वीडियो लेक्चर हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे। और इसके साथ ही साथ कुछ और चेंजेस भी हम लोगों ने किए हैं। हम लोगों ने एक वेबसाइट भी क्रिएट की है, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिख रही होगी। इस वेबसाइट के अंदर हम लोग आने वाले जो पीएसयू हैं, इसरो हुआ, बार्क हुआ या बीईएल जैसे एग्जाम्स हैं, तो जो क्वेश्चंस इन पीएसयू के लिए इम्पोर्टेंट हमें लगते हैं, हम वहां पर वेबसाइट पर उनको अपडेट करेंगे और उनका सॉल्यूशन आपको यूट्यूब चैनल के अंदर आकर मिल जाएगा। तो इससे आपके उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी पीएसयू के लिए। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने एक फेसबुक ग्रुप भी क्रिएट किया है और ट्विटर पर भी हमारा अकाउंट है, जीमेल आईडी भी है। तो इन सारी चीज़ों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो यहाँ पर भी आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप वहाँ पर हमसे शेयर कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। और पिछले कुछ दिनों से मुझे मैथ्स के लिए कमेंट आ रहे थे, तो मैथ की वीडियो में इसकी बात स्टार्ट करने वाला हूँ। और जो हम लोगों ने अभी तक वीडियो देखे थे मैथ के, उनमें क्वेश्चंस की उतनी प्रैक्टिस नहीं की थी, तो आने वाले समय में हम मैथ के न्यू कॉन्सेप्ट देखेंगे और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं ईसीई गेट 2017 के आफ्टरनून सेशन के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो इसका क्वेश्चन है, इन द फिगर D1 इज रियल सिलिकॉन इंजेक्शन डायोड विद अ ड्रॉप ऑफ 0.7 वोल्ट अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन एंड D2 इज चैनल डायोड विद ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ -6.8 वोल्ट। द इनपुट V इनपुट T इज अ पीरियोडिक स्क्वायर वेव ऑफ पीरियड T हुज वन पीरियड इज शोन इन द फिगर। ये कोई आपको पीरियोडिक स्क्वायर वेव गिवन है, इसका एक पीरियड है T, मैक्सिमम वैल्यू है इसकी +14 वोल्ट और मिनिमम वैल्यू है इसकी -14 वोल्ट। ठीक है, ये नॉर्मल डायोड है आपका D1 और ये आपका जेनर डायोड है। अज्यूमिंग 10 tau इज लेस देन इक्वल्स टू t, वेयर tau इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द आउटपुट वेवफॉर्म आर रिस्पेक्टिवली। तो ये आपको इनपुट में आपने ये वेवफॉर्म अप्लाई की है सर्किट में, तो हमें आउटपुट में कैलकुलेट करनी है जो वेव मिलेगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू और उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये चीज हमें इसमें कैलकुलेट करनी है। तो इसको हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले रिप्लेस डायोड सर्किट विद देयर इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, जो यहाँ पर डायोड सर्किट थे उनके इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स से उनको रिप्लेस कर दिया। तो जो यहाँ पर डायोड था वो आपका फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होगा, तो प्लस माइनस यहाँ पर 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होगा। और जो जेनर डायोड था वो आपका कब ऑपरेट होता है, रिवर्स बायस ऑपरेट होता है। जेनर डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, फॉरवर्ड बायस में वो बिहेव करेगा नॉर्मल डायोड की तरह, रिवर्स वाइज में वो बिहेव करेगा एज अ वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। यहाँ पर ये इसका माइनस वी वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पर है आपका प्लस वी वोल्ट। तो यहाँ तक आपका माइनस वी वोल्ट आप बढ़ाते जाएंगे तब आपका करंट जीरो रहेगा या बहुत कम वैल्यू रहेगी करंट की। फिर एक पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर आपका करंट सडनली इंक्रीज हो जाएगा और वोल्टेज आपका कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो जेनर डायोड आपका बिहेव करता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। तो यहाँ पर जो आपको वोल्टेज गिवन है जेनर डायोड का, वो है आपको ब्रेकडाउन वोल्टेज। इस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। जब आपका वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है और करंट इंक्रीज होने लगता है वो बोलते हैं उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो -6.8 वोल्ट आपको वैल्यू गिवन है इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज की। तो अब जेनर डायोड जब आपका रिवर्स बायस में ऑपरेट हो रहा है तो यहाँ पर जो आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6.8 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप। अब यहाँ पर जो माइनस साइन है वो इंडिकेट कर रहा है एक्चुअली ये माइनस साइन, रिवर्स वाइज का माइनस साइन, क्योंकि जो जेनर डायोड होते हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं अपने पास, उनकी जो रेंज होती है 2 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज तक के जेनर डायोड अपने पास अवेलेबल है। तो 2 से 300 वोल्ट, तो इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा 6.8 वोल्ट। तो ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है ये रिवर्स वाइज की कंडीशन को। तो ठीक है, हमने इसमें इनपुट अप्लाई किया, प्लस माइनस वी इनपुट हो जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल, और जो कैपेसिटर है इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा प्लस माइनस वी सी, और ये प्लस माइनस वी आउटपुट, और ये डायोड के क्रॉस। अब हमने इसमें KVL अप्लाई किया, तो KVL सबसे पहले यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट साइन मिल रहा है अपन को माइनस, तो हो जाएगा माइनस वी इनपुट। फिर यहाँ पर गए साइन मिला हमें प्लस, तो प्लस वी सी, प्लस यहाँ पर आया हम प्लस वी आउटपुट इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया आपका इक्वेशन वन। अब वी आउटपुट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें आपने KVL अप्लाई किया। तो जब आप इसमें KVL अप्लाई करेंगे तो यहाँ से लिखना स्टार्ट किया KVL, या यहाँ से देखना स्टार्ट किया इसको, तो माइनस 6.8, फिर माइनस 0.7, फिर प्लस वी आउटपुट इक्वल्स टू जीरो। तो वी आउटपुट की वैल्यू आपने निकाली यहाँ पर 7.5।
अब ये 7.5 आपने क्या किया, वी आउटपुट की वैल्यू इसमें पुट कर दी इक्वेशन वन में। जो वी इनपुट था पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए उसकी वैल्यू कितनी है 14, तो -14 प्लस वीसी प्लस 7.5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो वीसी हो जाएगा वो हो जाएगा 14 माइनस 7.5, तो 6.5 वोल्ट आपका निकल के आ गया वीसी, मतलब 6.5 वोल्ट आपका कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल में। अब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो नीचे साइड देखेंगे इसकी डायरेक्शन होगी, तो यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा। और कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप था वो ऐसे ही था प्लस और माइनस, और इसकी वैल्यू निकल के आई थी 6.5 वोल्ट, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया इसको। अब जो यहाँ पर नॉर्मल डायोड था वो आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स वाइज हो जाएगा। तो जब वो रिवर्स वाइज हो जाएगा तो ये पूरा सर्किट आपका ओपन हो जाएगा, ये पूरी ओपन सर्किट होगी। अब आपने इसमें KVL अप्लाई किया, तो यहाँ से KVL लिखना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले आया प्लस V इनपुट प्लस 6.5 प्लस V नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब V आउटपुट वोल्टेज आप यहाँ से निकाल सकते हैं माइनस V इनपुट माइनस 6.8। अब V इनपुट की वैल्यू जो है वो है आपके पास 14, तो माइनस 14 माइनस 6.8, तो हो जाएगी मिनिमम वैल्यू माइनस 21.9 वोल्ट, तो मैक्सिमम वोल्ट वैल्यू हो गई आपकी 6.1 वोल्ट, मिनिमम वैल्यू हो गई माइनस 21.9 वोल्ट। तो इस तरीके से आप इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, कंसीडर द सर्किट शोन इन द फिगर, एज्यूम बेस टू एमीटर वोल्टेज VBE इक्वल्स टू 0.8 वोल्ट एंड कॉमन बेस करंट गेन, कॉमन बेस करंट गेन अल्फा ऑफ द ट्रांजिस्टर इज यूनिटी, अल्फा की वैल्यू हमें यूनिटी गिवन है। तब ये आपको सर्किट गिवन है, अब इसमें कैलकुलेट क्या करना है, द वैल्यू ऑफ द कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज या VCE, जो यहाँ पर कलेक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा और जो यहाँ पर एमीटर के अक्रॉस VC हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा VE, तो हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है VCE की वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, VBE हमारे पास गिवन डेटा में देखते हैं, VBE 0.8 वोल्ट है, अल्फा आपको यूनिटी गिवन है। अब आप जानते हैं अल्फा क्या होता है, IC अपॉन IE, कलेक्टर करंट अपॉन एमीटर करंट। अब आपको अल्फा की वैल्यू जब यहाँ पर 1 गिवन है, तब अल्फा की जगह पर आपने 1 लिखा, तो IC इक्वल्स टू हो जाएगा आपका IE। लेकिन हम क्या जानते हैं, IE जो होता है, जो एमीटर करंट होता है टोटल, वो होता है आपका, जो ये एमीटर करंट होगा वो होगा आपका बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। तब जब एमीटर करंट आपका कलेक्टर करंट के बराबर हो जाएगा, मतलब बेस करंट आपका जीरो हो जाएगा, तब बेस करंट आपका जीरो हो गया, मतलब अल्फा की वैल्यू जब आपको 1 गिवन है तो इसके बेस में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, बेस करंट की वैल्यू यहाँ पर जीरो हो रही है। अब इसको हम दो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड है इसमें हम इसका थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे बेस के अक्रॉस। तो सबसे पहले हम VTH कैलकुलेट करेंगे, तो VTH जो कैलकुलेट करने की मेथड होती है, VTH कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखिए आप प्लस 18 वोल्ट है, तो यहाँ का वोल्टेज आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा आपका प्लस और माइनस, यहाँ पर प्लस और माइनस, आपको ये वोल्टेज यहाँ का कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा आपका वोल्टेज डिवीजन रूल आप इसमें लगा सकते हैं सीधे, तो 18 × 16 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 44 + 16। तो इस तरीके से आप यहाँ पर VBE की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वही हमने यहाँ पर VTH हो जाएगा 16 × 18 / 44 + 16, तो VTH की वैल्यू हो जाएगी 4.8 वोल्ट। अब यहाँ पर एक RTH की वैल्यू हो जाएगी, RTH की वैल्यू का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर बेस करंट आपका क्या है, जीरो है, तो अपना जो इक्विवेलेंट सर्किट हो गया VTH हो जाएगा, ये RTH की एक वैल्यू हो जाएगी और ये सर्किट एज इट इज रहेगा, यहाँ पर IE करंट और यहाँ पर IC करंट। अब अप्लाई KVL अपन ने इसमें अप्लाई किया, तो सबसे पहले यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, यहाँ से देखते हैं, तो मैंने आपको KVL लिखना बताया था कि जिस वोल्टेज से हम देखते हैं वहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स एज्यूम कर लेते हैं और प्लस और माइनस, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इस साइड देख रहे हैं, तो सबसे पहले साइन आया है यहाँ पर माइनस, तो माइनस VTH हो जाएगा प्लस IB × RTH। अब IB की वैल्यू जब जीरो है ये वैल्यू टोटल जीरो हो जाएगी, इसलिए हमने RTH यहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया था। अब यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा प्लस और माइनस, ये बेस है और ये एमीटर है, तो प्लस VBE हो जाएगा प्लस यहाँ का जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा IE × 2, तो 2IE = 0। अब यहाँ पर VTH की वैल्यू हमने 4.8 कैलकुलेट की थी,
प्लस वी बी ई की 0.8 प्लस 2 IE इक्वल्स टू 0। तो IE की वैल्यू यहाँ से 2 मिली एम्पियर हमने कैलकुलेट कर ली। अब IE की वैल्यू हमने 2 मिली एम्पियर कैलकुलेट की, हम क्या जानते हैं IE इक्वल्स टू है आपका IC के, तो IC की वैल्यू भी हो गई 2 मिली एम्पियर। अब हमने क्या किया, KVL अप्लाई किया इस वाले सर्किट में, आउटर सर्किट में हमने KVL अप्लाई किया। तो यहाँ से इतना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर आपने एक वोल्टेज सोर्स एज्यूम कर लिया, यहाँ पर माइनस और ये प्लस, और अंदर साइड लिखना स्टार्ट किया, तो माइनस 18 हो जाएगा आपका। तो पहले माइनस साइन आया तो माइनस 18 हो जाएगा, प्लस 4 ऑफ आईसी प्लस ये वी सी और ई। तो यहाँ का जो वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा वी सी ई, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो प्लस वी सी ई प्लस 2 IE यहाँ का वोल्टेज इक्वल्स टू 0। तो आईसी की वैल्यू 2 एम्पियर है, तो यहाँ पर 2 एम्पियर रखी तो 8 हो गया, प्लस वी सी ई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। वी सी ई की वैल्यू आपने निकाल ली 6 वोल्ट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वी सी ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वी सी ई की वैल्यू आई 6 वोल्ट। ठीक है, अब इसमें हम दूसरी मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी मेथड के लिए हम देखते हैं इसमें, सबसे पहले हमने वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के यहाँ का बेस का वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया, जो यहाँ का वोल्टेज है वी बी कैलकुलेट कर लिया 4.8 वोल्ट, वही वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करके। अब हमें गिवन क्या है, वी बी ई, वी बी ई की वैल्यू हमें 0.8 गिवन है। तो वी बी ई को आप क्या लिख सकते हैं, वी बी माइनस वी ई। अब वी बी ई जब आपको 0.8 गिवन है, तो वी बी की वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट की 4.8 वोल्ट माइनस वी ई, तो वी ई यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 4 वोल्ट। तो जो इस टर्मिनल का वोल्टेज है वी ई, ये आपके पास निकल के आया 4 वोल्ट। ठीक है, अब आई ई की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, जो यहाँ पर ये आपका एमीटर टर्मिनल है, जो यहाँ पर करंट फ्लो होगा, करंट होगा आपका जब ये वोल्टेज आपको पता है वी ई, तो आई हो जाएगा आपका वी अपॉन आर, तो 4/2, 2 mA आपके पास आई ई निकल के आ गया। अब आपको एल्फा की वैल्यू यूनिटी गिवन है, एल्फा की वैल्यू जब यूनिटी गिवन है तो आई सी इक्वल्स टू आई ई हो जाएगा, तो आई सी की वैल्यू भी 2 mA हो जाएगी। अब हमने क्या किया, आउटर सर्किट में KVL अप्लाई किया। जब आउटर सर्किट में KVL अप्लाई किया तो ये हो जाएगा, यहाँ से लिखना स्टार्ट किया तो माइनस 18 प्लस 4 IC प्लस VCE प्लस 2 IE इक्वल्स टू 0। तो VCE की वैल्यू आप यहाँ से 6 वोल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो VCE की वैल्यू तो आ गई आपके पास 6 वोल्ट। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए एक मेथड होती है, मेथड में आप इनकी टर्मिनल का वोल्टेज चेक कर सकते हैं, जो सैप का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, VCEB मतलब VCE प्लस VEB प्लस VBC, ये EDC में मैंने आपको बताया था। तो इसमें आप रख के इनकी वैल्यू चेक कर सकते हैं, ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। तो VCE आपने निकाला 6 वोल्ट, VEB, EB को आप क्या लग सकते हैं, VE माइनस VB प्लस VBC को क्या लग सकते हैं, VB माइनस VC इक्वल्स टू 0। तो इन सब की वैल्यू पुट की तो इसकी वैल्यू आ गई 0, मतलब ये 6 वोल्ट आपका VCE सही है। ये आप इस तरीके से इनको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो इसमें आप अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये क्वेश्चन है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम से, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम से, पल्स कोड मॉड्यूलेशन से ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है, अ साइनोसोइडल मैसेज सिग्नल इज कन्वर्टेड टू अ PCM सिग्नल यूजिंग अ यूनिफॉर्म क्वांटाइजर, द रिक्वायर्ड सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइस रेशियो एट द आउटपुट ऑफ द क्वांटाइजर इज 40 dB, सिग्नल टू नॉइस रेशियो आपको गिवन है आउटपुट पर 40 dB, द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स पर सैंपल नीडेड टू अचीव द डिजायर्ड सिग्नल टू नॉइस रेशियो। तो फॉर PCM सिग्नल टू नॉइस रेशियो आपको दो फॉर्म में गिवन होगा, या तो एक नॉर्मल फॉर्म में गिवन होगा या dB के फॉर्म में गिवन होगा। तो मैंने आपको कम्युनिकेशन को जो इम्पोर्टेंट फार्मूले बताए थे उसके अंदर सीधे सीधे ये फार्मूले आपको नोट करवाए थे, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो फार्मूले आप देख सकते हैं वहाँ से। तो आपको सिग्नल टू नॉइस रेशियो दो फॉर्म में आपको गिवन हो सकता है, एक तो नॉर्मल या एक dB के फॉर्म में। तो अगर नॉर्मल फॉर्म में आपको सिग्नल टू नॉइस रेशियो गिवन है तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो हो जाएगा आपका 3/2 to the power 2n, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। और अगर dB में गिवन है तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो dB में गिवन है तो वो हो जाएगा 1.8 + 6n dB। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में देखिए आपको dB में यहाँ पर सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो गिवन है 40 dB, तो इसमें हमें 40 यहाँ पर पुट किया बराबर 1.8 + 6n। अब 6n इक्वल्स टू हो जाएगा 38.2, तो n हो जाएगा आपका 38.2 / 6, तो 6.366। अब 6.366 निकल के आया, लेकिन n क्या होती है, इंटीजर क्वांटिटी, n जो होगी वो होगी इंटीजर वैल्यू होगी, तो 6 से ज़्यादा होगी, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। सो मिनिमम नंबर ऑफ बिट पर सैंपल नीडेड इज 7। तो इस तरीके से आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने आपको कम्युनिकेशन
के अंदर जो फॉर्मूले बताए थे इम्पोर्टेंट, उसमें ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट नोट करवाए थे। ये क्वेश्चन है आपको मैथ से, इफ द वेक्टर फंक्शन एफ इक्वल्स टू, ये कोई वैल्यू गिवन है आपको, वेक्टर फंक्शन इज इरोटेशनल, एफ आपको इरोटेशनल गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट के वन के टू एंड के थ्री आपको कैलकुलेट करना है। एफ आपको गिवन है, एफ इज द वेक्टर फंक्शन, ये आपको फंक्शन गिवन है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, के वन के टू और के थ्री, जब एफ आपका इरोटेशनल है तो दो कंडीशन होती हैं, अगर वेक्टर आपका इरोटेशनल है तो उसका कर्ल जीरो होगा, डेल क्रॉस एफ आपका जीरो होगा, काय के लिए, इरोटेशनल के लिए, और डेल डॉट एफ आपका जीरो होगा काय के लिए, सॉलिनोइडल के लिए। तो यहाँ पर आपको इरोटेशनल गिवन है, तो डेल क्रॉस एफ इक्वल्स टू आपने जीरो किया, अब डेल क्रॉस एफ को आप क्या लिख सकते हैं, ए एक्स का बार, ए वाई का बार और ए जेड का बार अपॉन डी वाई डी एक्स और डी वाई डी वाई और डी वाई डी जेड। यहाँ पर डी वाई डी एक्स में जो एक्स का कंटेंट होगा थ्री वाई माइनस के वन जेड और डी वाई डी वाई में के टू एक्स माइनस टू जेड और यहाँ पर माइनस के थ्री वाई प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे ए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ए एक्स के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व किया तो डी वाई डी वाई और माइनस के थ्री वाई प्लस जेड, तो इसका आपने डिफ्रेंशिएट किया वाई के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा आपका माइनस के थ्री माइनस, अब डी वाई डी जेड के रिस्पेक्ट में इसको किया तो ये कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका टू, और माइनस पहले से था तो ये हो जाएगा आपका प्लस टू। अब ए वाई के रिस्पेक्ट में किया तो वाई के रिस्पेक्ट में हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरीके से अब डी वाई डी एक्स ऑफ ये इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा जीरो, अब माइनस डी वाई डी जेड जेड के रिस्पेक्ट में इसका हो जाएगा जीरो और इसका हो जाएगा माइनस के वन, और माइनस पहले से था तो हो जाएगा आपका के वन, ऐसे ही जेड के रिस्पेक्ट में आप कैलकुलेट करेंगे तो के टू माइनस थ्री हो जाएगा इक्वल्स टू जीरो। अब आप इसमें चेक कर सकते हैं ऑप्शन से कि ये वैल्यू आपकी जीरो कब होगी, जब के थ्री की वैल्यू आपकी कितनी हो टू हो और के वन की वैल्यू आपकी जीरो हो और के टू की वैल्यू आपकी थ्री हो, तो इस तरीके से ये जीरो होगा जब के थ्री के टू और के वन की ये वैल्यू होगी, तो इसका आंसर आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये मैंने आपको मैक्सिमम और मिनिमम के जो मैथ्स में वीडियो बताए थे उसके अंदर ये क्वेश्चन इस तरीके से मैंने आपको सीधे सीधे करवाए थे। ये कोई फंक्शन आपको गिवन है 1/3x कोष्ठक x स्क्वायर माइनस 3 इन द इंटरवल माइनस 100 से प्लस 100 के बीच में है, मतलब ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वाले क्वेश्चन से, अगर आपने नहीं देखे तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स भी वहाँ पर सॉल्व करवाए थे। तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है एक्स की, जहाँ पर इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हो, तो गिवन फंक्शन को हमने ब्रेक किया 1/3x की माइनस एक्स में, ये इक्वेशन वन हो गई, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, ये इक्वेशन टू हो गई, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा आपका 2x। अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है, एफ डैश ऑफ एक्स को हम जीरो पुट करते हैं, जो एफ डैश ऑफ एक्स की इक्वेशन निकाली उसको हमने जीरो पुट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका वन, एक्स हो जाएगा आपका प्लस माइनस वन। नाउ पुट द प्लस एंड माइनस वन इन एफ डबल डैश ऑफ एक्स, अब यहाँ से जो एक्स के रूट निकल गया है, एफ डैश ऑफ एक्स को जो जीरो किया था उससे जो रूट निकली वो रूट चेक करेंगे हम एफ डबल डैश ऑफ एक्स में रख के, अगर वो वैल्यू आपकी जीरो से ज़्यादा आएगी तो फंक्शन आपका मिनिमा होगा, और वो वैल्यू अगर जीरो से कम आएगी तो फंक्शन आपका मैक्सिमा होगा। तो हम ये प्लस वन और माइनस वन एफ डबल डैश ऑफ एक्स में रख के देखते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स आपका 2x, तो एफ डबल डैश ऑफ वन पुट किया तो वैल्यू आई आपकी 2। अब एफ डबल डैश ऑफ जब 1 रखा था अपन ने तो वैल्यू आपकी 0 से ग्रेटर हो रही है, और एफ डबल डैश ऑफ माइनस 1 रखा तो वैल्यू आई आपकी माइनस 2, ये वैल्यू आपकी 0 से क्या है कम है, तो आपका मैक्सिमा आकर होगा माइनस 1 पर, मिनिमा हुआ आपका प्लस 1 पर और मैक्सिमा हुआ आपका माइनस 1 पर। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, मिनिमा निकालना है, मिनिमा के लिए प्लस 1 पर ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वी वन मिनिमा सो टेक प्लस वन, ये माइनस वन को अपन डिस्कार्ड कर देंगे, सो डेट चेक फंक्शन फॉर द एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए हम जो वैल्यू चेक करेंगे माइनस 100 चेक करेंगे और 1 चेक करेंगे और 100 चेक करेंगे, तो जब माइनस 100 चेक किया अपन ने तो वैल्यू आई ये, 1 चेक किया तो वैल्यू आई ये, 100 चेक किया तो वैल्यू आई ये, तो हाँ आप देख सकते हैं कि इनमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो है कहाँ पर आ रही है, माइनस 100 पर, तो मिनिमम वैल्यू में जो करेट एक्स इक्वल्स टू माइनस 100, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियोज आपको पसंद आ रहा हो तो इनको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।
इसके बाद एक वीडियो और है जिसके अंदर मैंने कुछ रिमेनिंग आफ्टरनून सेशन के पेपर का सॉल्यूशन रखा है, और इसके बाद मैं मैथ्स की सीरीज स्टार्ट करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।